हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के ज्योग्राफी से जो फर्स्ट चैप्टर है उससे कुछ एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, यानी हमें यहाँ पे चूज़ करना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो नंबर वन, द कम्बाइंड बेसिन एरिया कंस्टिट्यूटेड by the trunk stream along with its tributaries and distributaries is known catchment basin, river basin, mature river valley, young river valley। यानी combined basin, यानी जो नदी है उसके नदी जब अपने मावा नदी और साख नदी के साथ चलते हैं तो दोनों को एक साथ मिलाकर हम कौन सा basin उसे कहते हैं। तो आंसर होगा river basin। ओके, नंबर दो देखिए, बर्ड फूड डेल्टा इन इंडिया इज फॉर्म बाय द, यानी चिड़िया के पंजानामा डेल्टा बनते हैं हिंदुस्तान में किस नदी के जरिए। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, रिवर। तो उसका सही आंसर है कृष्णा नदी। ठीक है, नंबर थ्री, मेंडर इज डिपोजिशनल लैंड फॉर्म ऑफ रिवर विंड ग्लेशियर सीवेब। मेंडर जो है एक जमाशुदा शकल हैं किसके, रिवर के, विंड के, ग्लेशियर के, सीवेब के। तो आंसर होगा रिवर के। ओके, नंबर फोर, पेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द एरिड रीजन, कोस्टल रीजन, ग्लेशियल रीजन, डेल्टिक रीजन। राइट आंसर इज एरिड रीजन, यानी पेडिमेंट्स जो बनते हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में बनते हैं। ओके, नंबर फाइव, द क्रीसेंट सेप्ड सैंड ड्यून्स फॉर्म ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ विंड आर कॉल्ड सेव, बरखान, पैराबोलिक ड्यून्स, लुइस। द राइट आंसर इज बरखान। ओके, नंबर सिक्स, मशरूम टोपोग्राफी इज एज इन लैंड फॉर्म बाय रिवर विंड ग्लेशियर सीवेब। द आंसर इज विंड, यानी जो मशरूम टोपोग्राफी है जिसको हम लोग गौर भी कहते हैं, तो इसको गौर जो कहते हैं ये बनते हैं किस चीज़ के जरिए, किस चीज़ के कटाव के जरिए बनते हैं, तो वह हवा के कटाव के जरिए बनने वाली एक शक्ल है मशरूम टोपोग्राफी। ओके, नंबर सेवन, द फॉर्मेशन ऑफ टू सर्क्स और कॉरी साइड बाय साइड क्रिएट्स द बोल्डर क्ले एरेट ग्लेशियल थ्रू हैंगिंग वैली। यानी जब किसी पहाड़ में दो सर्क दो जानब से बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एरेट कहते हैं। ओके, नंबर एट, ड्रमलिन इज जनरली फाउंड इन पेडमेंट रीजन, हाई माउंटेन, कोस्टल, डिजर्ट रीजन। ड्रमलिन जो है बनते हैं पेडमेंट रीजन में। ओके, इसे ड्रमलिन को याद रखिएगा, ड्रमलिन को इग्स, बॉल ऑफ इग्स भी कहा जाता है। ओके, नंबर नाइन, गोर कैन बी फाउंड इन द कोस्टल एरिया, एरिड रीजन, ग्लेशियल रीजन, डेल्टिक रीजन। गोर जिसको हम लोग मशरूम रॉक भी कहते हैं, मशरूम टोपोग्राफी, ये किस इलाके में बनते हैं, एरिड रीजन में। ओके, नंबर टेन, लैंड फॉर्म्स रिसम्बलिंग ए गिगानेटिक आर्म चेयर फॉर्म बाय ग्लेशियल एरोजन इज कॉल्ड सर्प, एरेट, रोची माउंटेनिंग, क्रैग एंड टेल। लैंड फॉर्म जो होते हैं बनते हैं जो गिगानेटिक आर्म चेयर, यानी एक आरामदायक कुर्सी की तरह होते हैं, वो बनते हैं क्या, सर्क, एरेट, रोची माउंटेनिंग, क्रैग एंड टेल, तो वो कहलाते हैं सर्क। ओके, इसके बाद देखिए, अब देखिए ऐसे की क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर। नंबर वन इज, विच इज़ द फेमस कैनियन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में मशहूर जो कैनियन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ओके, नंबर टू, विच टाइप ऑफ डेल्टा डज मिसिसिपी रिवर फॉर्म्स, मिसिसिपी नदी जो है वो कौन से टाइप का, कौन से किस्म का डेल्टा बनाते हैं। ओके, तो यह है बर्ड्स फूड डेल्टा, चिड़िया के पंजनामा डेल्टा बनाते हैं। ओके, नंबर थ्री, वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरफॉल्स कैन बी सीन, मतलब वाटरफॉल जो है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा किस जगह पे दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा हैमिल्टन। ओके, नंबर फोर, हाउ मच रेन वाटर रन ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एवरी ईयर, मतलब इस सतह ज़मीन पे जो वाटर है वो कितने रन ऑफ हो जाते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 16%। रन ऑफ का मतलब होता है कोई पानी
जब किसी नदी या नाला के जरिए किसी समंदर में शामिल हो जाते हैं उसे कहते हैं। ओके, नंबर 5, विच रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस्चुरी, मतलब इस्चुरी का एक कौन सा नदी जो है एग्जाम्पल है। ओके, तो इसका सही आंसर है नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, नंबर 6, विच लेक इज कॉल्ड सेट्स इन सहारा, यानी सहारा में किस लेक को, किस झील को सेट्स कहा जाता है, तो उस लेक का नाम है प्लाया। ओके, नंबर 7, विच इज़ द हाइस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी आबशार कौन सा है, तो उसका सबसे जो हाइस्ट आबशार है वह है सॉल्ट एंजल आबशार। ओके, नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस ज़मीन का सबसे लंबा वाटरफॉल का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए रह गया। नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, तो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है ग्लेशियर। ओके, नंबर 10, विच टाइप ऑफ डेल्टा द रिवर नील इज फॉर्म्ड, मतलब नील नदी किस किस्म के डेल्टा बनाते हैं, तो नील नदी आर्कवेट डेल्टा बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, ऐसे की क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ जो है मैं लिंक में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ से इसको हासिल कर सकते हैं।